स्टूडेंट माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैंने अभी बीएससी थर्ड ईयर का आपके लिए एक टॉपिक बनाया तैयार किया था। टॉपिक का नाम था एचएसबी कॉन्सेप्ट, पियर्सन का कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे पढ़ें, आप उसे तैयार करें, उसका क्वेश्चन जरूर तैयार करें, आपके एग्जाम में वो जरूर मिलेगा आपको थर्ड ईयर में पार्ट वन में। यूनिट बहुत छोटी है, इसके बाद मैं सीएफटी स्टार्ट करूंगा। आपका यूनिट टू है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम आपके लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग डिस्कस करेंगे, स्क्वायर प्लेनर का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिस्कस की जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ा जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, लेकिन अभी मैं आज एक और टॉपिक की बात कर रहा हूँ। पढ़ने को इस यूनिट में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो लगभग सब मैंने बता दिया है। क्लासिफिकेशन, एचएसबी कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन और पढ़ लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है सिम्बायोसिस। शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है मोस्टली इसका, सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस क्या चीज है पहले मैं उसे समझता हूँ, फिर मैं सिम्बायोसिस की बात करूंगा आप लोगों से। एक चीज मेरी बात सुनिएगा, मान लो एक स्टूडेंट है आपके पास, मैं नहीं जानता वो स्टूडेंट कैसा है। एक स्कूल आपका ये है और एक स्कूल आपके पास ये है, बहुत अच्छे से सुनना। दो स्कूल है आपके पास, ये सी स्कूल है, ये डी स्कूल है, दो तरह के स्कूल आपके पास है। सी स्कूल जो है वहां पे हमेशा, ऐसा मान के चलिए भाई, सी स्कूल में से हमेशा टॉपर निकलते हैं। कोई आपसे कहता है भाई हमेशा टॉपर निकलते हैं साहब वहां से, तो है ना, सी स्कूल जो है वहां से हमेशा टॉपर निकलते हैं, ऐसे कर लीजिए। साहब सी में से हमेशा टॉपर निकलते हैं, और जो डी स्कूल है ना आपका, वहां से हमेशा पुअर स्टूडेंट निकलते हैं। कोई आपसे कहते हैं कि भाई जो डी है वहां से हमेशा पुअर स्टूडेंट निकलते हैं, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट वहीं जाना चाहता है जहां पे टॉपर स्टूडेंट्स निकलते हैं। आप वो उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है जहां पर टॉपर और अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, या उस स्कूल का अच्छा नाम है। मैं इसी टॉपिक को पियर्सन के कॉन्सेप्ट से जोड़ता हूं। ठीक है, आपने जैसे सोचा, आपने दिमाग लगाया कि हम हमेशा एडमिशन वहां लेना पसंद करते हैं जहां से अच्छे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, हम हमेशा वहां पे जाना पसंद करते हैं जहां पे अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो सिम्बायोसिस की थ्योरी भी यही कहती है कि मान लीजिएगा, आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और एक आपके पास कोई और अनदर मॉलिक्यूल है। अमोनिया का नेचर आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अमोनिया का नेचर कैसा है? अमोनिया एक हार्ड बेस है आपका। अमोनिया कौन है? एक आपका हार्ड बेस है, और ये बोरोन है। बोरोन से जो फ्लोरीन आपके अटैच है, आप बहुत अच्छे से देखें, बोरोन से जो आपके फ्लोरीन अटैच है, थ्योरी आपकी खुद इसकी नोट्स में से देख सकते हैं, सिम्बायोसिस की थ्योरी, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं सिम्बायोसिस होता क्या वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि स्कूल में आप किस में जाना पसंद करते हैं, जहां से अच्छे बच्चे निकलते हैं, वही यहां अप्लाई कर दीजिए। तो बोरोन तो एक स्कूल है, और ये उसके स्टूडेंट है, और ये फ्लोरीन कैसा होता है? हार्ड बेस होता है। आप क्लासिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। चिल्ला चिल्ला के मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फ्लोरीन के तो बहुत क्वेश्चन भी बनाए थे मैंने, हार्ड बेस है, और अमोनिया आपका पूरा हार्ड बेस है। तो आप उसी स्कूल में जाना पसंद करते हैं जहां पर अच्छे बच्चे निकलते हैं। पियर्सन का यही कॉन्सेप्ट है कि हार्ड बेस हमेशा उस सेंटर एटम पे, दिस इज द सेंटर एटम, हार्ड बेस हमेशा उस सेंटर एटम पे जाना पसंद करेगा जिससे ऑलरेडी हार्ड नेचर के लोग जुड़े रहते हैं। सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस हमेशा वहां जाना पसंद करेगा जिससे ऑलरेडी सॉफ्ट स्पीसीज अटैच रहती हैं। आ गई मेरी बात समझ में ना? आप अच्छे स्कूल में जाना पसंद करते हैं ऐसे ही, यहां हार्ड बेस हमेशा वहां जाएगा जहां हार्ड नेचर के लोग अटैच होंगे, और सॉफ्ट हमेशा वहां जाएगा जहां पर आपके सॉफ्ट अटैचमेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अब एक ले लिया एच माइनस, ठीक है, मैंने आपके लिए ले लिया एच माइनस, और एच जो माइनस आपका होता है, इसका नेचर होता है सॉफ्ट बेस नेचर का होता है,
और ये जो H होते हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं। आपका H माइनस वहां जाना पसंद करेगा जहां सॉफ्ट स्पीसीज होंगी, हार्ड वहां जाना पसंद करेगा जहां हार्ड स्पीसीज होंगी। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखोगे, ना देख पाओगे। देखो ये फ्लोरीन है, मान लो ये फ्लोरीन है, ठीक है, मान लो ये फ्लोरीन है, तो इस फ्लोरीन को ये फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि ये भी हार्ड नेचर का है, ये उसी सेंटर एटम पे हार्ड नेचर का जाएगा, पियर्सन को फॉलो करेगा। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं देख पाओगे कि कभी भी आयोडीन लोन पेयर दे रहा होगा बोरॉन को, क्योंकि आयोडीन का नेचर मेरे बच्चे कैसा है, सॉफ्ट नेचर का है। सर आयोडीन कैसा है आपका, सॉफ्ट नेचर का है, और सेंटर एटम जिससे अटैच है वहां पर तो हार्ड लोग हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो फॉलो ही नहीं होगा। यही आपका सिम्बायसिस की थ्योरी है, आप खुद से इसको डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पसंद आए तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की अरेंजमेंट की गई है। कोविड के कारण आपके विद्यालय महाविद्यालय बंद है, हम नहीं चाहते हमारे किसी स्टूडेंट का हित हो। काफी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, काफी स्टूडेंट के मैसेज आते थे सर बीएससी का हमारे लिए करिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ओके, थैंक यू।